अपने YouTube चैनल मैथ के थ्री में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से सीखेंगे, इसके बाद द्विघात समीकरण को हल करने की एक सुपर फास्ट ट्रिक भी जानेंगे। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि अभी मैथ में किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। हम जल्द ही उस टॉपिक का वीडियो लाएंगे। रीजनिंग में हमने पासा भी पढ़ा है और पासा में दो वीडियो आ चुके हैं, पार्ट वन और पार्ट। अगर रीजनिंग में पासा में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर पासा के वीडियो देख सकते हैं। जो भी पासा का पोर्शन बचा हुआ है उसको हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज द्विघात समीकरणों की बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन को हल करते समय द्विघात समीकरण बन जाता है और हम द्विघात समीकरण को सही से हल नहीं कर पाते, तो आज हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के मानक समीकरण। देखिए, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से जितने भी द्विघात समीकरण है वो सारे द्विघात समीकरण इसी से बनाए हैं। द्विघात समीकरण में दो टाइप के द्विघात समीकरण बनेंगे अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो। फर्स्ट टाइप के बनेंगे ऐसे द्विघात समीकरण जिसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक में एक हो, और ऐसे द्विघात समीकरण जिनके जिनमें एक्स स्क्वायर के गुणांक में एक ना और कोई संख्या, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। तो हम इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सवाल नंबर एक, एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस छह बराबर। इसको हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, बेसिक मेथड से कैसे हम इससे एक्स के मान निकालेंगे, इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस छह के छह का हम गुणा करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक एक के साथ, छह कम छह। अब इस छह के ऐसे दो गुणनखंड करते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस है तो उन दोनों गुणनखंडों का योगफल मध्य पद के बराबर होना चाहिए, अगर यहाँ पर माइनस है तो उन दोनों गुणनखंडों का अंतर या उन दोनों गुणनखंडों का घटाना मध्य पद के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्लस है तो इसके गुणनखंड करेंगे दो और तीन, दो में तीन का गुणा कराएंगे छह होगा। प्लस लगा है लेकिन दो में हम तीन जोड़ेंगे पांच हो जाएंगे, लेकिन हमको प्लस का पांच लाना है, ये प्लस दो होगा और ये प्लस का तीन, यही इसके दोनों गुणनखंड हो जाएंगे। हल करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस दो एक्स हो जाएगा प्लस का तीन एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। अब हम दो दो पदों में कॉमन लेते हैं, सॉरी यहाँ पर होगा तीन एक्स प्लस छह बराबर, दो दो पदों में कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन होगा बचेगा एक्स प्लस दो, प्लस का तीन कॉमन लेंगे यहाँ पर एक्स प्लस तीन दूना छह बराबर जीरो, एक्स प्लस दो कॉमन लेंगे बचेगा एक्स प्लस तीन बराबर। अगर इसे एक्स का मान निकालना है तो हम एक्स प्लस दो को जीरो के बराबर करेंगे, एक्स प्लस दो बराबर जीरो, एक्स का मान होगा माइनस। अगर इससे एक्स का मान निकालना है तो एक्स प्लस तीन बराबर जीरो करेंगे और एक्स का मान हो जाएगा माइनस। देखिए, यहां से एक्स के दो मान आएंगे माइनस दो और माइनस, यही इस सवाल का। अब हम इस द्विघात समीकरण को ठीक से कैसे सॉल्व करेंगे, कम से कम समय में आंसर कैसे निकालेंगे इसे। देखिए, छह के ऐसे तो गुणनखंड करें सेम उसी टाइप से, प्लस है तो मध्य पद के योगफल के बराबर आ, प्लस है तो दोनों गुणनखंडों का योगफल मध्य पद के बराबर आ जाए, दो तीन से प्लस का पांच लाना है, प्लस का दो होगा और प्लस का तीन। अब हम इन दोनों के चिन्ह बदल देते हैं। देखिए, प्लस का दो है तो माइनस का दो होगा, प्लस का तीन है तो माइनस का तीन, और x के यही दोनों मान। तो इस ट्रिक से हम किसी भी द्विघात समीकरण को
बहुत कम समय में हल कर सकते। अब बात करते हैं सवाल नंबर दो की। सवाल नंबर दो है एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस बारह बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सात एक्स प्लस बारह बराबर, इस क्वेश्चन को ट्रिक से ही सॉल्व करें। बारह एक कम बारह, बारह के ऐसे दो गुणनखंड की योगफल मध्य पद के बराबर आ जाए, चार तीन बारह, चार तीन सात। लेकिन माइनस सात कब होंगे जब माइनस चार होंगे और माइनस तीन होंगे, यही बारह के दोनों गुणनखंड हो जाएंगे। अब देखिए x का मान निकालने के लिए इन दोनों के चिन्ह बदलते हैं, तो x बराबर माइनस चार है तो प्लस का चार होगा, माइनस तीन तो प्लस का तीन होगा, यही इस सवाल का उत्तर। अब बात करते हैं सवाल नंबर तीन। सवाल नंबर तीन है दो एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स प्लस दस बराबर। देखिए इसमें भी सेम, दस का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक दो के साथ कराएंगे, दस दूनी बीस, प्लस है तो इनके गुणनखंडों का योगफल मध्य पद के बराबर होना चाहिए। बीस के गुणनखंडों में चार और पांच, चार पंचे बीस और योगफल चार पांच नौ हो जाएगा, माइनस नौ है तो माइनस के चार होंगे, माइनस के पांच। इस क्वेश्चन को भी हम पहले बेसिक ट्रिक से समझेंगे। दो एक्स स्क्वायर माइनस का चार एक्स माइनस का पांच एक्स प्लस दस बराबर, सेम उसी तरह से दो दो पदों में कॉमन लें, इसमें कॉमन होगा दो एक्स, बचेगा एक्स माइनस दो दूनी चार, इससे हम कॉमन लेंगे माइनस का पांच, बचेगा एक्स माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस होगा पांच दूनी दस बराबर जीरो, पूरे से एक्स माइनस दो कॉमन और यहाँ पर आएगा दो एक्स माइनस पांच बराबर। इससे अगर x का मान निकालना है तो x माइनस दो बराबर जीरो करेंगे, x का मान हो जाएगा दो। अगर हम इससे x का मान निकालना है तो हो जाएगा दो एक्स माइनस पांच बराबर जीरो, दो एक्स बराबर पांच या x बराबर पांच बटे, x के दो मान होंगे, एक होगा दो और एक होगा पांच। देखिए तो बेसिक मेथड, इस बेसिक मेथड से हम इस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। इसके पहले आपने भी बहुत सारे द्विघात समीकरण हल किए, लेकिन हम बात करते हैं फिर, क्योंकि इसकी जो भी ट्रिक है सेम उसी टाइप से, दस से दो में गुणा कराएंगे बीस, ऐसे दो गुणनखंड करेंगे कि बीस वाले पद के बराबर होना चाहिए, प्लस है तो योगफल के माइनस है तो अंतर, चार पंच बीस, देखिए माइनस नौ होंगे तो माइनस चार और माइनस पांच होंगे। अब देखिए चिन्ह बदल देंगे, प्लस का चार होगा और प्लस का, देखिए अब एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन दो, तो हम उसी संख्या से भाग देते हैं। देखिए दो से भाग देंगे दो आ जाएगा और ये होगा पांच बटे, देखिए यही इस सवाल का, जब हमने बेसिक से लगाया था तभी यही इसका आंसर, ठीक। तो हम इस ट्रिक से द्विघात समीकरण को, अब बात करते हैं सवाल नंबर चार के, या इस टाइप के सवाल नंबर दो। दो एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स प्लस पंद्रह बराबर, पंद्रह दूनी तीस, तीस के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे प्लस है तो दोनों गुणनखंडों का योगफल मध्य पद के बराबर होना चाहिए, तीस के गुणनखंडों के छह पंच तीस, छह पांच ग्यारह, लेकिन हमको माइनस का ग्यारह लाना है तो माइनस छह होंगे माइनस पांच होंगे तभी माइनस के ग्यारह होंगे। अब इन दोनों के चिन्ह बदलेंगे, माइनस छह है तो प्लस का छह, माइनस पांच है तो प्लस का पांच, जो भी एक्स स्क्वायर के गुणांक में संख्या है उससे भाग दे देंगे, दो से भाग देंगे तीन होगा और ये हो जाएगा पांच बटे, यही इस सवाल का। तो उम्मीद ये करते हैं कि द्विघात समीकरण को सॉल्व विधि से किस तरह से हल करना है आप सीख पाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। नमस्कार।